हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, पोषक तत्व एवं उर्वरक। और दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इससे पहले फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी वीडियोज़ कंप्लीट हो चुकी है, पूरा चैप्टर हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर वहाँ से वीडियोज़ देख लें और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसको हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। और आप चाहो तो नोट्स लिख सकते हो या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारा चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं पोषक तत्व एवं उर्वरक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है, फिर उसके बाद में समझेंगे कि उर्वरक क्या होता है। तो हम बात करें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की या पोषक तत्व की, तो दोस्तों वे सभी तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? वे सारे के सारे तत्व, सारे के सारे एलिमेंट्स जो भाग लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें? प्लांट फूड में। उन सबको हम बोलते हैं पोषक तत्व। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वे सभी तत्व जो पादप के पोषण में भाग लेते हैं उन्हें पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि पौधे को जो भी पोषक तत्व चाहिए, जितने भी पोषक तत्व पोषण में भाग लेते हैं, पोषण मतलब है उसके खाने में, फूड में, उन सभी तत्वों को हम क्या बोल रहे हैं? पोषक तत्व बोल रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास एक और वर्ड आता है, मिनरल्स न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है खनिज पोषक तत्व। अब पोषक तत्व के आगे क्या लग गया? खनिज। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खनिज क्या होता है? जो जमीन से प्राप्त होता है। तो अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं तथा पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे तत्व जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं और पौधे के ग्रोथ में, पोषण में, इन सब में भाग लेते हैं। उन सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? खनिज पोषक तत्व बोलते हैं या प्लांट न्यूट्रिशन बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि कोई भी जैसे प्लांट हैं तो जितने भी पोषक तत्व है ये कहाँ से लेता है? नीचे जमीन से लेता है। अब आपको पता होगा इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। क्या चलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उस क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ से लेता है? एनवायरनमेंट से लेता है और सन से लाइट ले लेता है। तो दो चीज़ें इसको यहाँ पर मिल गई। और जमीन से क्या लेता है? H2O जल। और जल के साथ दोस्तों लेता है खनिज पोषक तत्व। क्या लेता है? खनिज पोषक तत्व। जड़ों से लेता है जल के साथ। और दोस्तों H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ये सब मिलके क्या करते हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, जिससे प्लांट अपना भोजन बनाता है। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया, सन से लाइट, और नीचे जमीन से जड़ों के द्वारा H2O जल। पत्तियों में जाके यहाँ पर क्लोरोफिल बनता है और ग्लूकोज बनता है। उसके बाद में प्लांट अपना भोजन कंप्लीट कर लेता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो दोस्तों, इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे जल के साथ साथ क्या लेता है पौधा? अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जितने एलिमेंट वो यहाँ से ग्रहण करता है, लेता है जमीन से, उन सबको हम बोलते हैं खनिज पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? खनिज पोषक तत्व। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, खनिज पोषक तत्व की। एक बार वापस से समझ सकते हो, ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं, तथा पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो प्लांट की वृद्धि नहीं होगी, खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधों द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है और जड़ों के द्वारा, पौधे के द्वारा इन पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। अगला वर्ड आता है फ्रेंड्स यहाँ पर, असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। दोस्तों, नाम से पता चल रहा होगा आवश्यक पोषक तत्व या असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे तत्व जिनकी जरूरत है ही सही, आवश्यक लग रहा है आगे, जिनकी रिक्वायरमेंट है ही सही। तो दोस्तों, सबसे पहले आर्नोन और स्वार्ट, ये दो वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्वार्ट। इन्होंने
1939 में पोषक तत्वों के लिए कुछ मापदंड दिए। क्या दिए? पोषक तत्वों के लिए कुछ मापदंड दिए, कुछ क्राइटेरिया बनाया। और कब दिए? 1939 में। लेकिन दोस्तों उन तीन मापदंडों को, तीन मापदंड दिए और उनको दोबारा रीडिस्कवर किया कब? 1954 में। कब किया? 1954 में। और दोस्तों आर्नोन मतलब एक तरीके से पूछा जाता है कि पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आर्नोन व स्वार्ट ने। कब बताया? 1939 में। और जो तीन मापदंड दिए, जो तीन क्राइटेरिया दिया, वो कब दिया? 1954 में। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसकी परिभाषा हम देखें तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधों को मतलब अपने भोजन के रूप में आवश्यकता होती है, तथा अगर ये पोषक तत्व नहीं मिले प्लांट को तो अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। उन सभी पोषक तत्वों को हम बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और दोस्तों ये टोटल कितने हैं? ये टोटल है 17। मतलब ये जो 17 के 17 पोषक तत्व हैं, इन सबको बोलते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या आवश्यक पोषक तत्व। अगर ये पोषक तत्व प्लांट को नहीं मिले तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल या अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं करता है। तो आर्नोन और स्वार्ट ने तीन मापदंड दिए। पहला मापदंड क्या था? पहला मापदंड था कि किसी भी मतलब पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्वों की? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अगर ये 17 पोषक तत्व नहीं मिले पौधे को तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये पहला मापदंड दिया। दूसरा मापदंड क्या था कि पौधा जो प्लांट हैं, अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो उसका कोई दूसरा पोषक तत्व उसको पूरा नहीं कर सकता। सपोज करो जैसे यह है ए और यह है बी। अब प्लांट के अंदर बी की कमी हो गई तो हमें बी डालना पड़ेगा। अगर ए डालेंगे तो इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो ऐसा नहीं है कि हम फॉस्फोरस डाल देंगे और इसकी पूर्ति मतलब कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको नाइट्रोजन ही डालना पड़ेगा। तो ये दूसरा मापदंड दिया था। पहला तो क्या था कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इनमें से एक भी नहीं मिला तो जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। दूसरा मापदंड क्या था कि एक निश्चित पोषक तत्व की पूर्ति अगर कमी हो जाती है तो उसका पूरा वही पोषक तत्व करता है, दूसरा उसको नहीं कर सकता। ये दो मापदंड हो गए। थर्ड मापदंड क्या दिया था आर्नोन स्वार्ट ने? थर्ड में बताया कि पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उपापचय क्रियाओं में सीधे ही भाग लेते हैं, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है उन सब में सीधे ही भाग लेते हैं। किसने बताया? आर्नोन स्वार्ट ने। दोस्तों यहां से 11th 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्नोन स्वार्ट ने तीन मापदंड कौन कौन से दिए, तो आपको तीनों मापदंड याद होना चाहिए। कब दिए? 1939 में दिए, लेकिन उनको रीडिस्कवर दोबारा किया, रीडिफाइन किया कब? 1954 में। यहां से तीन डेफिनेशन है, एक तो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, कहने का मतलब है पोषक तत्व की। दूसरी डेफिनेशन आती है खनिज पोषक तत्व की। थर्ड है आवश्यक पोषक तत्व की। तीनों डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से मार्क्स लाओगे। और यहां से जेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल आवश्यक पोषक तत्व कितना है, तो कितने? 17 है। अब हम उन 17 के 17 पोषक तत्वों को देखेंगे कि कौन कौन से हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है, उनका वर्गीकरण किस टाइप से किया हुआ है, कौन कौन सा पोषक तत्व क्या कार्य करता है पौधे के अंदर, वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो 17 एलिमेंट है, 17 जो पोषक तत्व है, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे 17 के 17 मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहो जैसे आप अपने हिसाब से इनको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला तो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसको पोटास भी बोलते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, फेरस मतलब आयरन, और ये मैग्नीशियम, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर और क्लोरीन। 17 हो गए टोटल, नहीं हुए, टोटल 16 है। कौन कौन से गिन के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक नया पोषक तत्व खोजा गया था बाद में, वो है निकल। इसको हम 17वां आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। अब इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो या बिल्कुल इजी, अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से देखोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। यहां पे इसकी एक ट्रिक भी है, चॉप। क्या है चॉप? CHOP मतलब चॉप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अगला है किन्स मतलब पोटेशियम, नाइट्रोजन और सल्फर। चॉप, किन्स,
का मतलब कैल्शियम, चॉपकिंस का फीमंग मतलब आयरन और मैग्नीशियम, उसके बाद में है बमन मतलब बोरोन और मैग्नीज, उसके बाद जन्मो जिंक, जन से जिंक हो जाएगा और मो से मोलिब्डेनम। अगला आता है सी यू मतलब क्यूसल, कॉपर और क्लोरीन, कॉपर और क्लोरीन। तो आप इस टाइप से इनको याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये टोटल कितने हैं, 17 पोषक तत्व हैं, और अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो गई ना तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो 17 के 17 पोषक तत्व इनको बोला गया है आवश्यक पोषक तत्व या असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला गया है? असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोला गया है। और आर्नोन एंड स्वार्ट ने 1954 में रीडिफाइन किया था तीनों क्राइटेरिया को, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशन की, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो ये 17 एलिमेंट है इनके क्लासिफिकेशन की, कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया हुआ है। हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण की, कि कितने हिसाब से इसको प्लांट के अंदर डालते हैं, फसल के अंदर डालते हैं, सबसे ज़्यादा किन पोषक तत्वों को डालते हैं और कम किन पोषक तत्वों को डालते हैं। तो सांद्रता के अकॉर्डिंग टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला तो आता है मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब है मुख्य पोषक तत्व, कौन से मुख्य पोषक तत्व। उसके बाद में दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब दोस्तों यहाँ पे नाम से हमें पता चल रहा होगा कि मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब मुख्य पोषक तत्व, मुख्य मतलब है कि जिनकी आवश्यकता है ही सही और ज़्यादा मात्रा में जिन पोषक तत्वों को डालते हैं उनको बोला गया है मुख्य पोषक तत्व, मतलब केजी में जिनको डालते हैं, किलोग्राम में जिसको हम डालेंगे उनको बोल रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट। और दूसरा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, नाम से पता चल रहा होगा जिनकी बिल्कुल कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, उनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको हम डालते हैं PPM में, किसमें, पार्ट पर मिलियन में इसको हम डालते हैं, मतलब बिल्कुल कम मात्रा में, और सबसे ज़्यादा मात्रा में किसको डालते हैं, मुख्य पोषक तत्वों को। तो फ्रेंड्स जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं इनको तीन प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, कैसे, पहला तो है स्ट्रक्चरल, प्राइमरी, सेकेंडरी। दोस्तों स्ट्रक्चरल मतलब है संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में क्या बनाते हैं, संरचना बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में दूसरा है प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, और अगला आता है द्वितीयक। फ्रेंड्स अब आपके 11th क्लास में क्या है कि जो ये संरचनात्मक पोषक तत्व है ना इसको भी प्राइमरी में शामिल किया हुआ है, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लेकिन जेट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन अलग किया है। तो देखते हैं कि मेजर में कौन कौन से आते हैं। मेजर में सबसे पहला आता है संरचनात्मक या स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है जो पौधे की संरचना बनाने में वर्क करता है, जो प्लांट की स्ट्रक्चर बनाए उन पोषक तत्वों को बोला गया है संरचनात्मक पोषक तत्व। और दोस्तों कितने हैं, तीन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो, चो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो क्या करते हैं, पौधे में संरचना बनाने का कार्य करते हैं। अगला आता है प्राइमरी, प्राथमिक। प्राथमिक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये भी कितने हैं, तीन हैं। और दोस्तों ये संरचना बनाने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, किन की मदद करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इनको बोला गया है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या प्राथमिक पोषक तत्व। और दोस्तों आपको 11th में जो स्ट्रक्चर वाला है ये अलग से नहीं मिलेगा, प्राइमरी के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको अलग आपको लिखवाया है। अगला आता है हमारे पास सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, और इसमें लिखा गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अंदर भी कितने आते हैं, तीन आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो फ्रेंड्स अगर हम इनको गिने, टोटल काउंट करें तो कितने हो रहे हैं, तीन, तीन छः और तीन नौ। कहने का मतलब है जो मुख्य पोषक तत्व है वो कितने हैं, नौ। अब आप इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी कि 17 में से 9 माइनस करेंगे तो जो बाकी बच रहे हैं वो कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कितने बचे इधर, आठ। कितने बच गए, आठ। तो आठ पोषक तत्वों को यहाँ पे दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया हुआ है इनका, एक तो केटायन, दूसरा एनायन। केटायन मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पोषक तत्व इधर लिखेंगे और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन पोषक तत्वों को हम इधर लिखेंगे।
अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व उन पोषक तत्वों को बोला जाता है जो प्लांट्स के लिए बहुत कम रिक्वायर होते हैं, बहुत कम मात्रा में जो पौधे को चाहिए उन पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। केटायन में 5 न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है, एक तो है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और निकल। निकल आवश्यक 17वां पोषक तत्व है, वो है निकल। कई बार पूछ लिया जाता है कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, निकल है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एनायन है उसमें 3 रखे गए हैं, कौन कौन से, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब दोस्तों आपको ये तो पता होगा ही सही कि इधर वाले जो पोषक तत्व है, इधर वाले, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है प्लांट को। लेकिन यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस पोषक तत्व की होती है। कम तो सबकी होती है लेकिन इन कम में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो किसकी होती है हेमंत, किसकी होती है, आयरन की। जो आयरन है इस पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्वों में भी। और बात करें कि इनमें भी सबसे कम किसकी आवश्यकता होती है, किसकी होती है सबसे कम, जिंक की। गलत आंसर, सबसे कम आवश्यकता होती है मोलिब्डेनम की। किसकी, मोलिब्डेनम की। तो फ्रेंड्स ये है सूक्ष्म पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो आवश्यकता हो किसकी होती है, आयरन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, मोलिब्डेनम की होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्लासिफिकेशन था सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। एक बार वापस से देख लो फटाफट, 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन है, एक तो मुख्य और एक है सूक्ष्म। इसको हम मैक्रो या माइक्रो इस टाइप से बोलते हैं। कई बार मुझसे पूछा है कि मैक्रो एलिमेंट कौन सा है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक या सेकेंडरी एलिमेंट कौन सा है, चारों ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, इनमें से कोई सा। तो आपको टेबल बिना के बनानी है, बिल्कुल अच्छे से इसको याद करना है, तभी आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन यहाँ से गलत कर दोगे। इसको 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, मैक्रो वाले को स्ट्रक्चर, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राथमिक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK, और सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो में आते हैं 2 केटाइन और एनायन। केटाइन में है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल, और एनायन में आते हैं बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर आयरन और सबसे कम मोलिब्डेनम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। जिसको भी अगली वीडियो देखनी है वो कमेंट बॉक्स में Part 2 जरूर लिखें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें। कमेंट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय जवान, जय किसान, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।